हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे बटन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली है ये, बेस्ड है अजम्पशन के ऊपर। ये मोस्टली पूरा मॉडल है जो ये अजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें क्या होता है, मार्केट के अंदर दो फर्म होती हैं और दोनों की दोनों फर्म एक जैसा सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती है दोनों की दोनों फर्म और जो दोनों की दोनों सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दोनों फर्मों की वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि मान लो ए फर्म के सारे कस्टमर अगर बी के पास चले जाएं तो भी वो उनकी डिमांड को कंप्लीट कर देगी बी फर्म, और सेम ए ऐसे ही। मान लो बी के सारे कस्टमर ए फर्म के पास चले गए तो ए फर्म भी उनकी डिमांड को कंप्लीट कर देगी। और ये वाली इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। क्या बोलती है ये, अगर फर्म ए ने अपने प्राइस को कम कर दिया, क्यों, क्योंकि वो सोच रही थी कि बी अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। फर्म ए ने अपने प्राइस को कम कर दिया, वो सोच रही थी कि जो बी है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी ताकि उसकी जो बिक्री है वो ज़्यादा हो सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और बी भी ऐसे ही करेगी। बी सोच रही थी कि ए अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी तो इसलिए उसने अपने प्राइस को कम कर दिया। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये है हमारा डायग्राम, ये है, ऐसे बनाएंगे हम। देखो ये है हमारा डायग्राम, जो ये ओ वाई है। ओ वाई क्या है, हमारी प्राइस लाइन। क्या है हमारी ओ वाई, प्राइस लाइन। और जो क्यू ए वाई, मतलब जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन है ए फर्म का, और जो ये वाला पोर्शन है ये है बी फर्म का, यानी क्या वो बी वाई बी फर्म है, क्या वो ए वाई ए फर्म है। ठीक है, अब देख डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस मॉडल को। जो ए फर्म है उसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया मार्केट में, जब परफॉर्म करना मार्केट में स्टार्ट किया तो उसने ओ ए आउटपुट को सेल कर दिया, मतलब या तो इसको ऐसे बोल दो कि उसने इतनी आउटपुट की, या फिर बोल लो कि उसने इतने प्रोडक्शन को सेल कर दिया। ओ ए प्रोडक्शन को सेल कर दिया उसने ओ वाई प्राइस पे, ओ वाई प्राइस पे। बी ने सोचा कि ए अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी तो उसने अपने प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि जितने भी कस्टमर ए के वो उसके पास आके आ सके। जो बी था उसने सोचा कि ए अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, ए कांस्टेंट प्राइस को रखेगी तो बी ने अपने प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि जितने भी कस्टमर हैं ए के वो उसके पास आ सके। जब सारे कस्टमर उसके पास आ गए तो क्या हुआ, तो ए ने देखा कि मेरे तो सारे कस्टमर चले गए, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि मेरे सारे कस्टमर चले गए तो उसने क्या किया, मार्केट में रहने के लिए उसने क्या किया, अपने प्राइस को कम कर दिया। क्या किया उसने, अपने प्राइस को कम कर दिया। जितने बी ने किए थे, बी ने अपना प्राइस रखा था ओपी, जब वो ओ ए आउटपुट सेल कर रहा था उस टाइम प्राइस था कितना हमारा ओपी, ओपी प्राइस पे वो, ये जो ओ वाई था, ओ वाई जो ओ वाई था ये हमारी प्राइस लाइन थी, लेकिन जब उसने ओ ए प्रोडक्ट को सेल किया या ओ ए आउटपुट का उसने प्रोडक्शन किया, किस प्राइस पे किया, वो ओ पी प्राइस पे किया। लेकिन बी ने सोचा ए अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा तो क्यों ना मैं अपने प्राइस को थोड़ा सा कम कर दूँ ताकि ए के सारे कस्टमर मेरे पास आ सके। तो जब बी ए ने देखा कि मेरे तो सारे कस्टमर बी के पास चले गए तो उसने क्या किया, उसने अपने प्राइस को, तो ए ने क्या किया, अपने प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया बी से। मान लो बी का प्राइस था ओ पी, इतना था उसका प्राइस,
तो उसने अपने बी फॉर्म ने क्या किया, अपने प्राइस को कितना कर दिया, OP1, यानी इसका था पहले OP, इसने इससे भी कम कर दिया, इसने कर दिया OP1, और कितने की सेल आउटपुट की, OB की, OB आउटपुट पे प्राइस कर दिया इतना। जब इसने देखा कि इसके प्राइस मेरे से भी कम हो गए, तो इसने अपने प्राइस को फिर कम कर दिया। उसने क्या किया, ए फॉर्म ने OA1 आउटपुट को सेल करने के लिए अपने प्राइस को कर दिया OP2। फिर इसने देखा कि मेरे सारे कस्टमर इसके पास चले गए, फिर बी ने क्या किया, बी ने अपने प्राइस को इससे और कम कर दिया, फिर बी ने अपने प्राइस को OP3 कर दिया, आउटपुट कितनी होगी, OB1। ये ऐसे ही एक दूसरे के प्राइस को ज़्यादा देखते हुए अपने प्राइस को कम करते चले गए कि अगर मैं अपने प्राइस को कम करूँगा तो मेरे प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा सेल होंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये तब तक चला जब उसने देखा कि जो प्राइस और एवरेज कॉस्ट थे जो दोनों इक्वल हो गए, मतलब जितने का प्रोडक्ट था उसी पे हम प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट तो नहीं कर सकते, कुछ तो प्रॉफिट हमें भी चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जितने का हमने प्रोडक्ट बनाया हम उसी में सेल कर दे। तो क्या हुआ, जब प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो गए तो दोनों फर्मों ने अपने प्राइस को कम करना बंद कर दिया। जब दोनों फर्मों ने अपने प्राइस को कम करना बंद कर दिया तो फिर कैसे मार्केट चलेगी। तो दोनों ने क्या किया, एक तो तरीका ये था कि भाई दोनों प्राइस वॉर कर रहे थे, कभी तू ज़्यादा कभी मैं, दोनों अपने कम प्राइस करते आ रहे थे, कभी ये कभी वो, दोनों एक दूसरे के प्राइस को देखते हुए अपने प्राइस को कम कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि वो मोनोपोली गेम खेलें। कैसे, कि दोनों फर्म मिल जाएं, ए और बी दोनों फर्म मिल जाएं और अपना एक हाईएस्ट प्राइस है जो वो सेट कर सके। हाईएस्ट प्राइस क्या, ओपी, एक ओपी प्राइस को सेट कर लें। पहले तो ये कभी ये कम कर, ये बढ़ा रहा था तो इसने इससे कम कर दिया, जब इसने कम किया तो उसने इससे कम कर दिया, क्यों ना ये दोनों मिलके अपने एक प्राइस को सेट कर ले। अब इन्होंने क्या किया, अपने एक प्राइस को सेट कर लिया, यानी पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट क्या हो गया, ये हाईएस्ट प्राइस हो गया। इस हाईएस्ट प्राइस पे जब ये अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जब दोनों अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो दोनों को बराबर का प्रॉफिट मिलेगा और दोनों मार्केट में बने रहेंगे। यही मॉडल है बर्टेंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।